दुबई में टीचिंग की जॉब कैसे ढूंढनी है, कैसे दुबई के स्कूल्स रिज्यूमे चाहते हैं आपका देखना, किस तरीके का आपका अप्रोच होना चाहिए, दुबई में टीचिंग जॉब्स के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ये पूरी सी पूरी चीज़ें जो हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एक्चुअली में क्या है, काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि टीचिंग जॉब्स रिलेवेंट आप हमें कंप्लीट गाइडेंस दीजिए, तो ये जो वीडियो है ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। अच्छा, मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं 10 से 12 टीचर्स से मिला हूँ दुबई में, ओके, और उन टीचर्स के फीडबैक लेके, उनके पॉइंट्स लेके, ये देखिए मैंने प्रॉपर पॉइंट्स बनाए हैं, ओके, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं मैं आपके सामने एक एक करके डिस्कस करूँगा, जो को आपको बहुत हेल्प करेगा, सही है, दुबई में जॉब लेने के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है आपको, ओके। सबसे पहली बात जॉब मार्केट की, जो कि टीचिंग की जॉब्स की बात आती है कि मतलब क्या डिमांड है यहाँ पर। अब आपको एक बात समझनी है कि दुबई में आपको मतलब हर नेशनैलिटी के लोग मिलेंगे, सही है, यहाँ पर फैमिली को रखना बहुत आसान है, ओके, तो सबकी यहाँ पर फैमिलीज होती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑलमोस्ट हर नेशनैलिटी के लोग रहते हैं फैमिलीज के साथ, तो किड्स होते हैं, तो उनकी एजुकेशन की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी की बात हो, चाहे वो सेकेंडरी की बात हो, तो हर तरीके के जो है ना स्कूल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब उन स्कूल्स के अंदर टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अब स्कूल्स भी आपका भी जो यहाँ पर जो करिकुलम है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे कि जैसे इंडियंस के लिए CBSE के स्कूल्स काफ़ी हैं यहाँ पे, सही है, और जिन लोगों को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंटरनेशनल करिकुलम में पढ़ाना है तो उसकी वजह से जैसे कि IB है, कैम्ब्रिज है, ओके, IGSE बोर्ड है, और भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो कि एक मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि सैलरीज वगैरह भी उसी हिसाब से ज़्यादा होती हैं, स्कोप्स भी ज़्यादा हैं यहाँ पर, ओके। तो एक बात आपको समझनी है कि टीचिंग का तो यहाँ पर स्कोप है, नो डाउट, ओके, उसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पर आपको जो हर तरीके के करिकुलम आपको मिल जाते हैं, चाहे वो CBSE IB, जो मैंने आपको बताया है, अगर आपका एक्सपीरियंस है प्रायर तो आपके लिए इसमें बेनिफिट्स हो जाएगा, ओके, इन किसी भी करिकुलम में जाने में, ओके। अब बात आती है कि मतलब हम अपने इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, US में, UK में टीचिंग कर रहे हैं, दुबई में टीचिंग करने के क्या फायदे हैं, जो कि मतलब देखो, तो मैं सबसे बड़ी चीज ये बोलता हूँ कि आप सबसे पहली बात यहाँ पर जो है ना इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आपको काम करने का मौका मिलता है, ओके। तो स्टार्टिंग में मैंने ये बात बताई कि IB, कैम्ब्रिज, काफी सारे यहाँ पर बोर्ड हैं, तो उसमें फायदा ये, अगर आपका CBSE में एक्सपीरियंस है और आप स्विच करना चाहते हो IB में, कैम्ब्रिज में, तो ईजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सही है, इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है आपको करियर के ग्रोथ के लिए। दूसरी चीज क्या है, टैक्स फ्री इनकम है, बहुत ज्यादा आपको मतलब जो भी आप अर्न करेंगे वो आपके पास आएगा। फिर यहाँ की जो कंपनीज हैं वो आपको एनुअली टिकट भी देती हैं, आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग हैं जो कि दुबई में आना चाहते हैं टीचिंग की जॉब्स के लिए, सही है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज जो आती है कि यार रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं टीचिंग की जॉब्स के लिए दुबई के अंदर। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन है, सही है, और कुछ एक्सपीरियंस है आपका, मान के चलिए 2 साल का, तो आप एक्सपीरियंस मान के चलिए 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं तो 2 से 3 साल का पहले अपना एक्सपीरियंस ले लीजिए अपने होम कंट्री से, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे जॉब्स को अप्लाई कीजिए तो आपको रिजल्ट दिखेंगे। उसके साथ साथ क्या है, ये तो मैंने एक ऐसा प्राइमरी टीचर की बात कर दी या किंडरगार्टन टीचर्स की बात कर दी है। अब कोई सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड है, मान के चलिए किसी ने कोई फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, या फिर मैथ्स का है, तो अगर उसने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर एमिड किया हुआ है मास्टर ऑफ एजुकेशन, या फिर उसने कोई मास्टर किया हुआ है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसके चांसेस बनते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं, ओके। अगर आपने मतलब इंग्लिश के टीचिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी इंग्लिश, तो आपके पास IELTS एंड TOEFL होना चाहिए, सही। अब IELTS एंड TOEFL में भी आप ये समझ लीजिए कि 7 मैंस के ऊपर होने चाहिए आपके ऊपर ओवरऑल, सही। ऐसा नहीं है कि आपके पास 6.5 है या 6 है, तो उसमें आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ओके।
अब एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया है कि 2 से 3 साल का होना चाहिए। अच्छा, बैकग्राउंड चेक भी होता है, सही है। तो अगर आप कोई एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं तो मेक श्योर करना है कि वो जेन्युइन हो। ओके, आपका पुलिस वेरिफिकेशंस भी होती है। ओके, तो ये सब चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर आप दुबई के अंदर अपने आप को जो फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए। ओके, अब बात आती है कि सैलरीज की। ओके, अब देखो सैलरीज कंप्लीटली डिपेंड करता है स्कूल्स के ऊपर, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, किस पोजीशन पे आप जा रहे हैं। ओके, तो वो चीज है। तो सैलरी जो है 5000 की भी मिलती है, 6000 भी है, 8000 भी है, 9000 भी है, 10000 भी है, 15000 भी है सैलरीज। ओके, बट हाँ इतना जरूर है कि सैलरी जो आपको धर्म में जो मिल रही है वो भी आपको मिल रही है, अच्छी सैलरीज मिल रही है, बहुत अच्छे, मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं। काफी सारे स्कूल्स आपको एकोमोडेशन देते हैं, इंश्योरेंस मिल जाते हैं, अगर आपके किड्स हैं तो आपकी पढ़ाई जो है, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन जो है वो फ्री होती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि उस स्कूल्स की क्या पॉलिसीज हैं। ओके, और काफी, मतलब मैं ये समझता हूँ कि सैलरीज अच्छी हैं, कॉम्पिटिटिव सैलरीज हैं। स्टार्टिंग में आप सैलरीज की तरफ इतना ना देखें। ओके, जब आपके पास दुबई का कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा 1 या 2-3 साल का, फिर आप इजिली जो है वो दूसरे स्कूल में स्विच कर सकते हैं और फिर अपनी जो है ना सैलरीज में ग्रोथ ले सकते हैं। ओके, तो ये एक स्ट्रेटजीज आपको रखनी पड़ेगी। तो सैलरीज के साथ साथ आपको काफी सारे स्कूल्स एकोमोडेशन की फैसिलिटी देते हैं। ओके, तो ये चीजें दी हैं। अब बात आती है कि फैज, ये तो बात सही है, ये तो बात आपने समझा दी है। अब आती है बात कि अब हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, जैसे हम दुबई में जॉब्स को अप्लाई करने जा रहे हैं, किस तरीके के यहाँ पर स्कूल्स हैं, कौन कौन, देखो स्कूल्स तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आईबी, कैम्ब्रिज, हर तरीके के हैं, जैसे जेम्स एजुकेशन है, ब्लूम एजुकेशन है, और भी बहुत सारे हैं। आपको सिंपली गूगल पे करना है कि स्कूल्स इन दुबई, और आपको पूरी कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं। अब बात आती है जॉब्स को अप्लाई कैसे करना है, देखो वो स्टेप जो है वो सेकेंडरी है, पहला जो हमारा स्टेप है, सही है, वो है रिज्यूमे का। अगर आपका रिज्यूमे प्रोफेशनल नहीं है, अगर आपको एक बात समझनी होगी कि आज के टाइम में स्कूल्स भी ATS सिस्टम का यूज करते हैं, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का, क्योंकि खाली आप तो नहीं है ना जॉब अप्लाई करो, कितने लोग जॉब अप्लाई करते हैं, सही है, इंडिया से, यहाँ से, कहीं से भी। तो आपको एक बात समझनी होगी कि आपका रिज्यूमे प्रोफेशनल होना चाहिए, ATS फ्रेंडली होना चाहिए। कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपके रिज्यूमे में देखे जाते हैं, जो कि कोई भी स्कूल का जो HR एंड रिक्रूटर्स है वो चाहता है कि वो मेंशन करें आप अपने रिज्यूमे के अंदर, सही है। तो मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप ये कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे में मेंशन करें। ओके, ये कीवर्ड्स मेंशन करके काफी टीचर्स की जॉब लगी है। मैंने जैसे बताया है कि मैंने ये वीडियो बनाने से पहले 10 से 12 टीचर्स से पहले मैंने मीटिंग करी है। ओके, और उनके फीडबैक लिए, फिर उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ओके, जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस में अगर मैं आपको बताता हूँ, आपको वो तो चीज़ें मेंशन करनी है, कौन कौन सी प्रोफाइल है, जहाँ जहाँ आपने काम किया वो प्रॉपर डिटेल्स आपको रिज्यूमे में मेंशन करनी है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में मेंशन होने जरूरी है, जैसे करिकुलम डेवलपमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, लेसन प्लानिंग, स्टूडेंट असेसमेंट, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट इंगेजमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पेरेंट कम्युनिकेशन, लर्निंग आउटकम्स, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज, कोलैबोरेटिव टीचिंग, स्पेशल एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, सही है, ELL, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि यहाँ के दुबई के HR रिक्रूटर आपके रिज्यूमे में देखना चाहते ही हैं। ओके, तो ये चीजें तो आपको, चाहे आप जॉब डिस्क्रिप्शंस लिख रहे हैं, चाहे आप कीवर्ड्स का एक, आपने स्किल्स का एक सेक्शन बनाया रिज्यूमे में, मेक श्योर ये आप मेंशन कर दें। मुझे पता है आपके माइंड में ये होगा कि किस तरीके से मैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है ना, ये रिज्यूमे की कीवर्ड्स में मेंशन कर दूंगा आपको। ओके, कुछ नहीं करना, आपको कॉपी करना है और अपने सीवीज के अंदर एकोमोडेट कर देना है इनको। ओके, ये चीज है। देखिए रिज्यूमे हमारा रेडी हो गया, हमारा अप्रोच भी सही हो गया, ये सब चीज। अब हमें अप्लाई कहाँ कहाँ करना है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं
स्पेशली वो वेबसाइट जहां पर टीचिंग की जॉब्स पब्लिश्ड होती हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, अब जैसे टीच अवे, ओके, एक तो ये वेबसाइट है। अभी देखो मेरे पास वीडियो एडिटर है नहीं, ओके, तो अदरवाइज मैं स्लाइड्स वे में चला लेता यहां पर और आप आराम से देख लेते, बट बेफिक्र रहिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ओके, आप YouTube पर हैं, आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए मुझे, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी वेबसाइट्स मेंशन कर दूंगा, आप इनको गो थ्रू कर लेना। ओके, और अपना अकाउंट बना के यहाँ से जॉब अप्लाई कर लेना, दुबई की काफी वैकेंसीज आती हैं। टीच अवे, सीक टीचर्स, गल्फ टैलेंट, बाइट एजेविक्ट अस, ओके, एजवेक्टस, ये है से प्रोनंसिएशन आई गेस इसकी, सही है। तो ये कुछ जॉब पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर काफी सारी टीचिंग्स की वैकेंसीज आती हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। कोशिश करना है अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करना है, कोशिश करनी है कि जॉब्स को अप्लाई करने से पहले आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से गो थ्रू करना है, रीड करना है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, ओके, जब आप जॉब्स को अप्लाई करते हैं दुबई की, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपको देखनी है। पहली चीज कि कोई भी आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शंस आपने रीड किया, मान के चलिए जेम्स के किसी स्कूल्स के अंदर कोई वैकेंसी आई है, सही है, जेम्स वेस्टमिंस्टर स्कूल्स के अंदर, अब जेम्स वेस्टमिंस्टर स्कूल के अंदर जब वो वैकेंसी आई है, आपने देखा उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, अब वो जॉब डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ो अच्छे से और फिर उसके बाद अपने रिज्यूमे को पढ़ो, देखो क्या मैच कर रही है चीजें या नहीं कर रही। अगर वो मैच नहीं कर रही है कितना टाइम लगेगा आपको, आप मॉडिफाई करिए, सही है, अपने रिज्यूमे को फिर अप्लाई करिए। देखिए एक बात आप समझिए कि हमें 100 जॉब्स, 200 जॉब्स, 300 जॉब्स नहीं अप्लाई करनी है, वी हैव टू अप्लाई दोज जॉब्स जहां पर हमारी प्रोफाइल मैच कर रही है जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ और हमारा रिज्यूमे मैच करना चाहिए, बस ये बात आपको ध्यान से रखनी है। ओके, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि लिंक्डइन के ऊपर बहुत हायरिंग हो रही है, मैं जिस तरीके से मैंने फीडबैक्स लिए हैं लोगों से, टीचर्स की काफी हायरिंग लिंक्डइन से हो रही है, तो उसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि जो भी दुबई में प्रिंसिपल्स हैं, प्राइमरी हेड हैं, दुबई में सेकेंडरी हेड हैं, उसके साथ एचआर एंड रिक्रूटर, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ओके, और फिर उनको आप अप्रोच कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है, अप्रोच अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप दुबई में जॉब लिंक्डइन के थ्रू लेना चाहते हैं, काफी हायरिंग हो रही है लिंक्डइन के थ्रू टीचर्स के। ओके, तो ये सब बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या है कि इसके साथ साथ आप एक चीज और भी समझो कि एजुकेशन सिस्टम समझिए आप पहले, ओके, कि किस किस तरीके के यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, ये सब चीजें आपको जो है ना गूगल पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ओके, अगर आप मैथ्स के सब्जेक्ट टीचर्स हैं तो आईबी में क्या किस तरीके का करिकुलम होता है, कैम्ब्रिज में किस तरीके से है, सीबीएसई का किस तरीके का है, यहाँ पर वेकेशन कब पड़ती हैं, वेकेशन कब नहीं पड़ती हैं, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, टर्म्स, ये सब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला आप ऐसे टाइम पे जॉब्स को अप्लाई कर रहे हैं जब वेकेशन जो है वो हैं या फिर मतलब टर्म एंड हो चुका है, तो ये सब चीज़ों का क्योंकि स्कूल्स में थोड़ा इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, क्योंकि कोई भी टीचर होता है तो वो एक टर्म उसको बोला जाता है कि भाई आप अपना टर्म तो पूरा ही करिए ना, तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगस्त से अब सारे स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, अभी जैसे मैं ये वीडियो में जुलाई में बना रहा हूँ, ओके, तो अब अगस्त में सारे के सारे जो क्या कहते हैं स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, तो स्कूल्स ओपन हो रहे हैं दैट मीन्स अभी इस टाइम पर कंपनीज जो है या स्कूल्स हैं वो देख रहे हैं कैंडिडेट्स को। ओके, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अब जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया कि आपके पास एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो जो भी आपके रेफरेंसेस में है, जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं जिनके साथ आपने काम कर चुके हैं, उनसे
आपके पास रेफरेंस उनसे रेडी रखिए, उनके पास बहुत वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता देता हूँ, आपसे दो या तीन या चार रेफरेंसेस जरूर मांगे जाएंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें ध्यान रखनी है कि रिसर्च करनी है आपको। रिसर्च क्या करनी है कि कौन कौन से स्कूल्स में आज के टाइम में हायरिंग हो रही है। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो आपके लिए चैलेंजेस होंगे, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन से स्कूल्स हैं। अच्छा, वो भी आप बेफिक्र रहो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं स्कूल्स की डिटेल भी मेंशन कर देता हूँ आपको। देखता हूँ यूट्यूब का जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो कितना मुझे अलाउ करता है, बट मैं जितने भी लिस्ट ऑफ स्कूल्स हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, मैं मेंशन कर दूंगा। आप इनकी लिंक्डइन के पेजेस पे जाइएगा एक एक स्कूल्स के, और इनके यहाँ पर क्या क्या पोस्ट हुई, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो भी वैकेंसीज आ रही होती हैं या इनके पास कोई फर्दर रिक्वायरमेंट्स होती है, या फिर ऐसा भी होता है ये बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, कोलकाता ये जाते हैं ओके ओपन डे के लिए, और ये समझ लीजिए हायरिंग के लिए, तो पूरी अपडेट्स रहती है। तो जितने भी स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, इनकी मैं प्रॉपर पेजेस वो लिंक दे दूंगा, मैं आपको डिटेल बता दूंगा, आप पेज पे जाकर इनको फॉलो कर लेना। इससे क्या पता रहेगा, आपको पता रहेगा कि जिस स्कूल में मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे वहां पर कोई भी वैकेंसीज आएगी उसकी आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, रिज्यूमे, कवर लेटर, लिंक्डइन, और चाहे वो पुलिस सर्टिफिकेशंस हो गया, चाहे वो आपकी डिग्री के अटेस्टेशंस हो गई हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का जो आपका डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रखिए, रेफरेंसेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रखिए। जॉब्स को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, नेटवर्किंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैंने बता ही दिया आपको प्रिंसिपल्स, प्राइमरी हेड, सेकेंडरी हेड, एचआर, इन सबको कंटिन्यूस वे में रखना है आपको। फेयर जॉब फेयर्स किस तरीके के, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी पेजेस आप फॉलो कर रहे हैं ये लोग क्या करते हैं, अगर आप देखो दुबई में हैं तब तो चलो सही है, आप डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हो, बट बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि डायरेक्ट आपकी होम कंट्री से ही हायर करते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, आपको अप टू डेट रहना है ओके उस चीज के लिए। कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी हैं ओके जो कि एजुकेशन के लिए हायर करती हैं, तो इसलिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी आपको कॉन्टैक्ट रखना है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब जब आप ये सब चीजें कर रहे हैं ओके, तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका जो अप्रोच है वो बिल्कुल कंटिन्यूस वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आज आपने जॉब्स को अप्लाई किया और आप सोचते हैं कि मुझे 15 डेज में 30 डेज में रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपको सीरियसली एक बात बताना चाहता हूँ, दुबई की मार्केट कनाडा और यूएस की तरह नहीं है, यूरोप की तरह नहीं है, जहां पर आज जॉब्स अप्लाई करी तो सामने वाला कहता है कि यार आप हमें वर्क परमिट कैसे देंगे, पहले हमें लोकल मार्केट में डिमांड देखना पड़ेगा, पहले हमें ईयू वालों को देखना पड़ेगा, पहले हमें पीआर वालों को, ये चीजें यहाँ नहीं है ओके। और ना यहाँ पर किसी स्कूल्स को या ऑर्गेनाइजेशन को वीजा पे इतना खर्च करना होता है, उनका खर्चा सेम ही होता है ओके। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है कि कंपनीज यहाँ पर इसको चूज ही होती हैं, वो देखती हैं यार अगर हम किसी कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं तो उसके पास जो है ना वो स्किल सेट होनी चाहिए। तो ये चीज है। अब होता क्या है, मैं आप लोगों के लिए, जो भी टीचर्स लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए मैं एक पर्सनलाइज हेल्प लेकर आया हूँ ओके, जिसके अंदर मैं अगर मुझे, आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा ये ओके, ये मेरी वेबसाइट पे जब आप ये देख रहे हैं पर्सनलाइज जॉब सपोर्ट ओके, ये www.learnwithfaz.com। अब इसके अंदर क्या है, आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, चाहे आप एंट्री लेवल हैं, मिड लेवल हैं, इसके अकॉर्डिंग चूज करते। अब इसमें मैं आपके किस तरीके से हेल्प कर रहा हूँ, अभी रिज्यूमे दुबई में एचआर रिक्रूटर किस तरीके से यहाँ के स्कूल्स रिज्यूमे चाह रहे हैं वो हम आपके लिए बनाकर दे रहे हैं, कवर लेटर हम आपके लिए बनाकर दे रहे हैं, क्योंकि आप किसी स्कूल्स में जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों आप अप्लाई करो, क्या स्किल्स आपके पास है, क्या आपका क्या कहते हैं टारगेट है, क्या आपकी क्वालिटी है, स्किल्स, वो सब चीजें हम उसके अंदर हाईलाइट करते हैं 2000 वर्ड्स का। फिर लिंक्डइन, मैंने आपको पहली बात बताई, अगर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, लिंक्डइन प्रोफाइल प्रोफेशनल नहीं है, रिजल्ट्स नहीं है, तो हम आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे हैं यहाँ पे ओके, जिससे आप रिजल्ट्स देखेंगे। कोई भी एचआर रिक्रूटर जब सर्च करेगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपकी प्रोफाइल उसमें रिजल्ट्स में आएगी, सर्च रिजल्ट्स में। व्हाट्सएप ग्रुप,
कहीं पर भी दुबई के अंदर वैकेंसीज आती है हमारे सोर्स के थ्रू, वो हम यहाँ पर डालते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो डेली बेसिस पे किसी भी कहीं पर भी वैकेंसीज आई वो आपको इस ग्रुप के अंदर मिलेगी। ट्रेनिंग होती है फिफ्थ में, ऑनलाइन जॉब सर्च ट्रेनिंग, मैं लेता हूँ ये ट्रेनिंग जो कि संडे में होती है। ओके, तो इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें जॉब पोर्टल के एल्गोरिदम को समझना है जिससे हम रिजल्ट्स निकाल पाए, लिंक्डइन पर रेफरेंस कैसे बिल्ड करना है, नेटवर्किंग कैसे करना है, दुबई में जॉब कैसे करनी है। 2 आवर्स का सेशन होगा ये, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट। फिर जॉब एप्लीकेशन सपोर्ट क्या है इसके अंदर, आप स्कूल में हैं अभी आपके पास टाइम नहीं है जॉब अप्लाई करने का, तो हम आपके बिहाफ पे जॉब्स अप्लाई करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, हम देखेंगे कि इनकी प्रोफाइल, इनके बैकग्राउंड के अंदर कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, प्रोफाइल रिकमेंड की जाती है आपकी, दुबई की जितने भी HR रिक्रूटर्स हैं हम रिकमेंड करते हैं आपकी प्रोफाइल। ओके, फिर आप 101 कंसल्टेशन होगा आपका मेरे साथ। क्यों? देखो हर एक टीचर का एक डिफरेंट जर्नी होती है, उसका बैकग्राउंड होता है, तो यहाँ पर मैं आपके साथ 101 बैठूंगा। ओके, गूगल मीट, कोई भी आपके डाउट्स होंगे, कैसे प्लानिंग करनी है दुबई के जॉब्स के रिलेटेड, कुछ भी चीज़, कोई भी क्वेश्चंस हो आपका, कैसे स्ट्रेटजीज होने हैं, कैसे हमें आपकी जॉब्स को लेने में हेल्प करनी, ये सारी की सारी असिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टीचिंग जॉब सपोर्ट का प्रोग्राम है पर्सनलाइज, इसकी मैं डिटेल्स मेंशन कर दूंगा। ओके, वेबसाइट पे जाइएगा। ओके, और इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा ये जो कूपन कोड है ये आप कूपन कोड यूज कीजिए। ओके, इस कूपन कोड के बाद आपको जो है 15% डिस्काउंट मिलेगा जो भी ये प्राइसिंग है उसके ऊपर। ओके, तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, फॉलो करो, काफ़ी लोगों को दुबई में जॉब्स मिली हुई है। ओके, मेरी इन स्ट्रैटेजीज की वजह से आप भी को भी दुबई में जॉब मिल सकती है। एंड जितना हो सकता है कोई भी क्वेश्चंस हो आपका, कमेंट्स मुझे बताइएगा, मैं हर एक कमेंट्स का आपको जवाब दूंगा, आंसर करूंगा। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टीचिंग जॉब।